फतेह तेजो को याद कर इमोशनल हुई नेहमत। क्या एकम की कहानी भी जुड़ी है फतेह तेजो के साथ? वेल, यहाँ बात हो रही है कलर्स टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो उडारिया की, और आने वाले ट्रैक में बहुत कुछ होने वाला है। वेल, अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि नेहमत और एकम एक साथ बैठे होते हैं और नेहमत अपनी मम्मी पापा को याद कर कर बहुत इमोशनल हो जाती हैं। दरअसल 16 साल का लीप आ चुका है और सभी बच्चे बड़े हो चुके हैं एंड नेहमत अभी भी उस इंसिडेंट को भुला नहीं पाई है। एंड जब भी वो उस इंसिडेंट को याद करती है वो इमोशनल हो जाती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नेहमत मम्मी पापा को याद कर बहुत इमोशनल हो रही है, जिस पर एकम उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे मन में कुछ सवाल है, ऐसी क्या चीज है जो तुम्हें अभी तक परेशान करती है, जिस पर नेहमत कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। वेल, एकम बताते हैं कि वो आगे जाकर पुलिस ऑफिसर इसलिए ही बनना चाहते हैं ताकि वो फतेह तेजो यानी कि एकम के अंकल और आंटी के मौत का कारण पता कर सके कि आखिर कौन था उस इंसिडेंट के पीछे। इसी दौरान इस प्रोमो में हम देखते हैं कि एकम बोलते हैं कि मुझे ये पता करना है कि अंकल आंटी की डेथ कैसे हुई और मेरे पापा सस्पेंड क्यों हुए। वेल, जो ये लाइन है कि एकम के फादर सस्पेंड क्यों हुए, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या फतेह तेजो के इंसिडेंट से रिलेटेड है एकम के फादर का कुछ मैटर। क्या कहानी अभी भी जुड़ी हुई है एकम के साथ? वेल, वो तो आने वाला ट्रैक ही बताएगा, बट टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।